स्टूडेंट्स ये चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री की प्रॉब्लम नंबर फोर है राइट तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमस एज इन ईयर्स थ्री ईयर्स अगो एंड फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ इज वन बाई थ्री फाइंड हिज प्रेजेंट एज इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रहमन की एज है अगर हम ईयर में कंसिडर करें तो तीन साल पहले की एज और आज से पाँच साल बाद की एज का जब आप रेसिप्रोकल लोगे और उनका सम करोगे वो वन बाय थ्री के इक्वल आएगी राइट आपने जो प्रेजेंट एज है रहमन की वो बतानी है तो इसके लिए श्योरली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे राइट right? तो जो मेरे पास प्रेजेंट एज आ रही है रहमन की वो मैं एक्स एज्यूम कर लेती हूं राइट सो यू कैन राइट लेट रेहन प्रेजेंट एज इट इज एक्स इयर्स राइट अब डेफिनेटली मैंने दो कंडीशंस बनानी है फर्स्ट में तीन साल पहले की कितनी एज होगी ये देखना है राइट सो एज थ्री इयर्स अगो सो प्रेजेंट एज से तीन साल पहले की अगर आप एज देख रहे हो तो प्रेजेंट एज में से आप तीन साल जो है ये माइनस कर दोगे राइट right? सो so, ये तीन साल पहले की एज आ जाएगी राइट और सेकेंड कंडीशन में पांच साल बाद कितनी एज है वो देखनी है राइट तो इसमें की एज जो है, वो आज से पांच साल बाद कितनी आएगी ये फाइंड आउट करेंगे राइट सो रेहमन एज फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं सो प्रेजेंट एज में आप पांच जो है वो ऐड कर दोगे राइट सो x 5 आ गया अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो तीन साल पहले की एज है और जो पांच साल बाद की एज है ठीक है इनका जब आप रेसिप्रोकल करोगे और उनका सम करोगे वो वन बाई थ्री के इक्वल आएगा राइट right? सो so, अब यहां पे हम जो गिवन वैल्यूज हैं वो देख लेते हैं सो so, गिवन में ये क्या कह रहे हैं गिवन में ये कह रहे हैं कि सम करना है आपने रेसिप्रोकल ऑफ रहमंस एट थ्री इयर्स एगो एंड फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ तो ये हमारे पास वन बाई थ्री के इक्वल आएगा राइट सम करना है थ्री इयर्स अगो रेसिप्रोकल अगर हम देखें सो ये क्या जाएगा वन बाय एज ऑफ रेहमन थ्री इयर्स एगो प्लस वन बाय एज ऑफ रेहमन फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ तो ये किसके इक्वल आएगा वन बाय थ्री के एज ऑफ रेमन थ्री हमने कितनी लिखी थी दैट इज वन बाय अब यहां पे x माइनस थ्री आ जाएगा ठीक है अभी आप यूनिट जो है वो इग्नोर कर सकते हो प्लस वन बाय एज ऑफ रेमन फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ तो ये x प्लस फाइव आ गया और ये इक्वल टू वन बाय 3 बन जाएगा सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज जो है इसे सॉल्व करेंगे और दैट मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगी सो एलसीएम विल एलसी एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव को x माइनस थ्री के साथ डिवाइड किया अभी आप रफ में करके देख सकते हो कि आपने एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव इसे सबसे पहले x माइनस थ्री के साथ डिवाइड करना है सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया ना एक्स प्लस फाइव इंटू वन यहाँ पे एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, राइट प्लस ना माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। इसे अब हम एक्स प्लस फाइव के साथ डिवाइड करेंगे राइट सो एक्स प्लस फाइव के साथ जब डिवाइड किया तो ये इसके साथ कैंसल हो गया पीछे क्या रह गया एक्स माइनस थ्री रह गया सो एक्स माइनस थ्री इंटू वन यहाँ पे एक्स माइनस थ्री ही आ जाएगा और ये वन बाय थ्री के इक्वल है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव इसे सॉल्व करने के लिए ये जो एक्स माइनस थ्री है इसे मैं इंडिपेंडेंटली एक्स प्लस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूंगी सबसे पहले मैं एक्स को एक्स प्लस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूंगी देन माइनस थ्री को एक्स प्लस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूंगी राइट सो एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री आ गया राइट right? एंड ये वन बाई थ्री के ही इक्वल लेंगे अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर वाली, वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स आ गया माइनस थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स आ गया माइनस थ्री इंटू फाइव यहाँ पे माइनस का फिफ्टीन आ जाएगा ना एक्स और ये एक्स दोनों प्लस में है तो यहाँ पे टू एक्स आ गया 5 और यहां पे माइनस थ्री है सो फाइव माइनस थ्री डेफिनेटली प्लस का टू आ जाएगा इक्वल टू एक्स आ गया माइनस फिफ्टीन इक्वल टू वन बाय थ्री ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट right? सो so, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो टू एक्स प्लस टू इसके साथ थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इसे जब आप वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी सो टू एक्स इंटू थ्री सिक्स एक्स आ गया प्लस थ्री इंटू टू सिक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन आ गया अब इसे इसे हमने according to the quadratic equation लिखना है है तो ये 6x plus 6 जो है, इसे मैं equal to के दूसरी ले जाऊंगी साथ में ज करके लिख लेती है यहाँ पे प्लस का सिक्स एक्स है दूसरी साइड जाके ये माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा राइट एंड यहाँ पे प्लस का सिक्स है दूसरी साइड जाके ये माइनस का सिक्स आ गया इक्वल टू जीरो नाउ एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर देते हैं सो माइनस सिक्स जो है ये हम टू एक्स के साथ लिख लेंगे माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो आ गया एक्स स्क्वे टू एक्स माइनस सिक्स एक्स यहां पे माइनस का फोर एक्स आ जाएगा माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी वन आ गया टू जीरो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लेते हैं सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूलावल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वाइनस फोर ए सी बाय टू ए आएगा राइट तो ये जो है हमारे पास कॉफिशियंट ये हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड आउट करेंगे सो फॉर दैट ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगी सो कंपेयरिंग विद विध स्टर्ड इक्वेजन एक्स सो जब आपने इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो ए की वैल्यू वन आ रही है बी की वैल्यू माइनस फोर आ रही है सी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी वन आ रही है अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मुला में पुट करेंगे राइट right? सो so, एक्स इक्वल टू माइनस बी देट मीन माइनस का साइन आ गया और बी की वैल्यू पुट कर दोगे ठीक है है आ आ जाएगा so, minus 4 का square आ गया minus 4 into A की वैल्यू और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस ट्वेंटी वन आ रही है सो so, माइनस का ट्वेंटी वन आ गया डिवाइडेड बाई टू इंटू एस टू इंटू वन आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया सो प्लस का फोर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट नाउ माइनस फोर इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा फोर का स्क्वायर सिक्स आ जाएगा माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा सो प्लस फोर इंटू ट्वेंटी वन इट विल बी एटी फोर नाउ डिवाइडेड बाई टू इंटू वन हमारे पास टू आ जाएगा एक्स इक्वल टू फोर प्लस माइनस Under root. 16 plus 84, ये 100 आ गया divided by 2. Now, अगर मैं 10 का square करती राइट तो डेफिनेटली ये वैल्यू right? तो जो है ये मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ तो एक्स इक्वल टू फोर प्लस माइनस नाउ टेन का स्क्वायर आपने यहाँ पे हंड्रेड की जगह पे लिख लिया ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया टू लिख दिया अब ये जो प्लस माइनस है इसे हम करेंगे। सबसे पहले मैं वाली लूंगी। so, plus, now, ये आ गया। दूसरी साइड में माइनस वाली वैल्यू लूंगी सो फोर माइनस टेन बाय टू आ जाएगा ना एक्स इक्वल टू फोर प्लस टेन यहाँ पे फोर्टीन आ गया फोर्टीन बाय टू टू वन द टू टू सेवन द फोर्टीन तो x की एक वैल्यू हमारे पास सेवन आ रही है नाउ अगर आप यहां पे देखो फोर माइनस टेन डेफिनेटली माइनस का सिक्स आ गया डिवाइडेड बाय टू टू वन द टू एंड टू थ्री दिक्स तो x की एक वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री आ रही है अब डेफिनेटली x जो है ये हमने रहमन की करंट एज मेंशन की हुई है राइट right? तो अगर ये करंट एज है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव नहीं हो सकती है सो so, x की वैल्यू हम सेवन अज्यूम करेंगे यू कैन राइट एज एक्स इज रेहमन एज सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती है तो जो एक्स की ये वैल्यू है ये हम इग्नोर कर देंगे सो so, आई कैन से दैट एक्स की वैल्यू सेवन आ रही है राइट सो रेहमंस करंट एज ये है, जो कि सेवन ईयर्स के इक्वल होगी